कुरुक्षेत्र से खबर, खेल मंत्री ने अधिकारियों की मीटिंग ली है। कुरुक्षेत्र से खबर आ रही है और खिलाड़ियों पर जो खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, उनकी प्रतिक्रिया भी आई है। हर खिलाड़ी को भरपूर मदद दी जाएगी और उसकी मदद की जाएगी। हर काम को समय से पूरा करना मेरा लक्ष्य है। तो एक एक करके तमाम जो नए मंत्री हैं वो अब एक्टिव हो रहे हैं अपने अपने विभागों में। इसी तरीके से खेल मंत्री संदीप सिंह भी खिलाड़ियों से मुलाकात करते हैं, उनको लेकर कहते हैं कि हर खिलाड़ी की वो भरपूर मदद करेंगे। भरत सावरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। भरत, क्या जानकारी है यहाँ पर? संदीप सिंह मुलाकात करते हैं और काफी कुछ आश्वासन उभरते खिलाड़ियों को, नए खिलाड़ियों को देते हैं। जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, अब सरकार जो है उसका जो मंत्रिमंडल है वो शपथ ले चुका है और उसके बाद सबसे पहले जो एक्टिव मंत्री नजर आए वो अनिल विज नजर आए और अब संदीप सिंह जो है वो भी एक्शन मोड में है। आज उन्होंने पहली मीटिंग जो है अधिकारियों की ली है और उन्होंने मीटिंग के दौरान बंद कमरे में ये मीटिंग ली गई है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं भी लापरवाही अगर किसी भी काम में पाई गई तो वो किसी भी अधिकारी को बख्शेंगे नहीं। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जो वो हॉकी के खिलाड़ी बेशक रहे हों पर वो हर खिलाड़ी को जो ग्रास रूट पर काम कर रहा है उसके लिए वो पूरी सुविधाएं जुटाएंगे और जो भी सरकार की तरफ से या खेल मंत्रालय की तरफ से मदद हो सकेगी उस मदद को करेंगे। और दूसरी बड़ी एक बात और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, संदीप सिंह ने कुछ अधिकारी जो है उन्हें चिन्हित किया हुआ है और वो आज भेवा हल्के में अपना दौरा करेंगे। इस दौरान जो है दो या तीन अधिकारियों पर आज उनकी गाज भी गिर सकती है, सस्पेंड भी हो सकते हैं। भरत, इसको लेकर और क्या जानकारी है? गाज क्यों गिर सकती है? क्या वो अधिकारी लापरवाही बरतते हैं अपने काम में या फिर वो रहते नहीं अपने अपने ऑफिसों में? जी, देखिए उन्होंने एक बात साफ कही है क्योंकि वो मीडिया के सामने उन्होंने जब हमें उनसे जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि मैं एक्शन लेने के बाद आपको पूरी जानकारी दूंगा। और देखिए जिन अधिकारियों पर ये गाज गिरेगी वो संदीप सिंह ने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बताई है। उन्होंने कहा है कि वो इस तरह के अधिकारी हैं जो सारा दिन अपने ऑफिस में नहीं आते या आते हैं तो काम नहीं करते, लोग उनसे परेशान हैं, लोगों की शिकायत पर उन्होंने ये एक्शन लिया है और देर शाम तक जो अधिकारी हैं उन्हें वो सस्पेंड करके उसके बाद आगामी जो कार्रवाई है उसे अमल में लाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भरत जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब देखिए, मंत्री ने विभागों की जिम्मेदारी तो ले ली है और अब उन विभागों में काम कैसे करना है, उन विभागों में जो जो खामियां हैं, जो जो कमियां हैं उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर एक्टिव भी हो रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत और बैठकें भी हो रही हैं और जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान भी अब वो खोज रहे हैं। एजेंडा ये है कि सभी ऑफिसर्स, हमारे डीसी साहब, हमारे एसपी मैम और एडीसी साहब, इनसे और इनकी पूरी टीम और जो भी यहाँ पर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग थी कि एक परिचय हो जाए और हम आगे जो कार्य करने हैं वो किस तरीके से करने हैं। और हमारा मेन मकसद यही है कि हम जहाँ स्टैंड कर रहे हैं हमने इससे आगे जाना है और पब्लिक के जो कार्य हैं उनको एज सुन एज पॉसिबल करके उनको बताना है, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि कोई भी काम पेंडिंग ना छोड़ें, हर कार्य को टाइम से पहले फिनिश करें। सर, हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं आप और गढ़ कहा जाता है शाहबाद को हॉकी का, तो क्या नया क्या करने वाले हैं हॉकी खिलाड़ियों के लिए? देखिए, हॉकी नहीं, मेरे पास कोई स्पोर्ट्स है तो मैं हर खिलाड़ी के लिए काम करूंगा, चाहे वो ग्रास रूट का लेवल का खिलाड़ी हो, जो बिगिनर्स हैं वो हो, या जो नेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, हर वो खिलाड़ी के लिए काम करूंगा।